हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर ज्योग्राफी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स एंड पॉपुलेशन, एंड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ रीजनल डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। हम सभी जानते हैं कि सारी ह्यूमन एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्स और पॉपुलेशन इन्हीं से कनेक्टेड है, और अगर हमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का हम अगर पता लगा लेते हैं तो हमें उस रीजनल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर हमें डेवलपमेंटल प्लानिंग करनी है तो इसके लिए हमें अगर वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पता होगा तो हम वो प्लानिंग बहुत ही इफेक्टिव मैनर में कर सकेंगे, राइट? तो जनरली द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड नॉर्मली द एज ग्रुप, मेल फीमेल रेशो, ऑक्यूपेशन, रूरल अर्बन, पॉपुलेशन, लिटरेसी एटसेट्रा आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स फॉर स्टडिंग द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में हम लोग पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट हमारी कैसी भी हो सकती है। अगर हमें मेल फीमेल रेशो पता होगा तो हम मेल और फीमेल्स के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, जैसी ज़रूरतें होती हैं। और हम सभी जानते हैं मेल्स की ज़रूरत कुछ अलग होती है और फीमेल्स की अलग, तो इनका डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट आइडिया भी डिफरेंट होगा, राइट? सिमिलरली अगर हमें पता है किसी पर्टिकुलर रीजन में हम पॉपुलेशन का मालूम है हमें कि वो किस तरीके की स्किल्ड है, स्किल्स कैसे हैं उस पॉपुलेशन के, तो उनके लिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना ईजी हो जाएगा, राइट? अगर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का हमें मालूम होगा तो हम उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि रूरल एरियाज में नेसेसिटीज डिफरेंट होती हैं और अर्बन एरियाज की नेसेसिटीज डिफरेंट होती हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि क्यों हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, ऑन वर्ल्ड लेवल रीजनल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, राइट? एंड द मेन कंपोनेंट इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और डेमोग्राफिक कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर्स आर एज, सेक्स रेशियो, population composition, literacy and occupational structure. These are some of the aspects. These are aspects of population structure in entire world. So let me start with the first aspect, that is age structure. Students, according to age, the entire nation is classified under three categories. And these three categories are 0 to 14, 15 to 64, and 65 years and above. These are the three categories classified under age structure. So the population over 65 years of age is called aged population. हमने age structure में population को तीन categories में classify कर लिया है, 0 to 14, 15 to 64 and 65 above. तो जो 65 ईयर्स से ज्यादा के एज के लोग हैं उन्हें हम एजेड पॉपुलेशन कहते हैं। एंड टू कैलकुलेट द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इट इज एसेंशियल टू स्टडी इट्स एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है बेटा कि आखिर हम एज स्ट्रक्चर का पता क्यों करें। एज स्ट्रक्चर का अगर हम पता कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन कंट्री का क्या है, एंड इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन। जानना भी जरूरी है, अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट या कितना पॉपुलेशन जो है वो एसेट है कंट्री का, एंड हाउ मैनी पॉपुलेशन आर बिकम्स लाइबिलिटी, राइट? तो वी कैन एस्टिमेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्किंग पॉपुलेशन बाय दिस स्टडी। इससे हमें इंक्रीज और डिक्रीज का भी पता चल जाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन में समय के आधार पर चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है,
And except some western countries, the age related data of most of countries are not reliable. लेकिन एक बात और है कि एज से रिलेटेड डेटा जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है अगर हम कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ देते. एंड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेटा ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर 2004, 6.8% पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ द एल्डरली यूथ. अगर हम लोग 2004 के डेटा को एस्टिमेट करें तो लगभग 6.8% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की एल्डर जो एजेड पॉपुलेशन है उसमें कंसिडर होती है. एंड द सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन परसेंटेज इज द हाईएस्ट फाउंड इन यूरोप. आपको बता दें कि ये एज ग्रुप जो है ओवर 65 इयर्स वाला, इस एज के ज्यादा परसेंटेज कवरेज यूरोप में है. एंड देन फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका. इन यूरोप द परसेंटेज इज 14.6 एंड इन नॉर्थ अमेरिका इट्स 12.5. राइट. Whereas in Asia and Africa, the aged population percentage is quite low. In Asia, the aged population is only 5.8, whereas in Africa, it's 3.2% on the national level. So the highest percentage of senior citizens are also followed in Japan to 18.27%, Germany it's 17.17%, in France, the aged population is 16.21 and in Britain it's 16.9%. See, Britain, France, Germany, these are the nations lies in European continent. So according to this data, in Europe the aged population is higher. And in most of the African nations this percentage is between 2 to 3 only. Jabki bahut sare African nations aise hain jahan par एजेड पॉपुलेशन जो है 2-3% है. एंड आउट ऑफ दीज इथोपिया एंड सोमालिया आर द प्रोमिनेंट वन. अफ्रीका के जो दो नेशंस हैं इथोपिया और सोमालिया, ये वही दो प्रोमिनेंट नेशंस हैं. तो स्टूडेंट्स हियर एज स्ट्रक्चर इन मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गिवन. सी इन डेवलप्ड कंट्री मेजरली द एज ग्रुप बिटवीन 0-14 इज 18, 15-64 it's 67 and 65 above it's 14%. And if we consider USA the 0-14 age group is 21%, then 67% and 12%. Right? And just like that, the Australia, the age composition between 15-64 is a high 65, 64, 67, 15. These show the data related to the age structure. And these are some of the developing countries also given. Just see the data and try to understand. Right? According to these data, about 35.2% of world population is in youth category. Agar hum in data ko consider karein, to 35.2% जो एंटायर वर्ल्ड का पॉपुलेशन है बेटा वो कौन सा है, यूथ कैटेगरी वाला है, युवा वर्ग. एंड आउट ऑफ दीज हाईएस्ट इन अफ्रीका, और इनमें सबसे ज्यादा जो यूथ कैटेगरी की पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में पाई जाती है 44.5%. एंड देन एशिया हैविंग द सेकेंड पोजिशन विथ 33.6%. वाइल द परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इज लेस इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इज क्वाइट हाई. Europe, it's only 21.6%. Japan is having only 14.3%. Germany is having 15.2%. Britain, 17.7%. And USA is considered as 21.6%. It means the age group is higher in developing countries. The youth category is quite higher in developing countries. Right? Developing nations mein youth category zyada hai. Now countries 0-14, 15-64 and 65 plus. Developing 40.8. Whereas in developed nation 26.7% population refers to 0-14 age.
वेयर एज 15 टू 64 55.4% फाउंड इन डेवलप्ड नेशन. दिस एज ग्रुप इज 63.7 एंड 65 प्लस 3.8%. वेयर एज इन डेवलप्ड नेशन द रेशियो इज क्वाइट हाई, इट्स 9.6%. राइट. तो स्टूडेंट्स, जनरली यंग पॉपुलेशन इज मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज while the population of adult and elderly is more in developed country. इन सारे डेटा से हमारे सामने एक बात आई है कि यंग पॉपुलेशन डेवलपिंग नेशन में ज़्यादा है, जबकि एडल्ट और एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा है. अनबैलेंस एज कंपोजिशन बियर्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. अगर एज कंपोजिशन अनबैलेंस्ड होगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमी पर. व्हाई? बिकॉज द 0 टू 14 एज ग्रुप एंड अबव 65 इज लायबिलिटी टू द नेशन, टू दोज हु आर एसेट्स. जो मिडिल ग्रुप है 15 टू 64 ये वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है, और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एसेट होता है बेटा कंट्री का. क्या होता है? एसेट. जबकि हमारा 0 टू 14 और 65 अबव ये वाला जो एज ग्रुप है ये लायबिलिटी होता है, ये डिपेंडेंट एज ग्रुप है, ये अपनी हर तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिपेंड रहता है. राइट. इन दोज कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज हाई. जहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है वहां पर 0 टू 14 वाला एज ग्रुप भी बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है. एंड द लेटेस्ट डेटा ऑन एज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर शोन इन डायग्राम 4.1. सी हियर अ पाई डायग्राम गिवन. पाई डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे जो शेडेड है इस तरीके से पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया है 0 टू 14, 15 टू 24, 25 टू 54, 55 टू 64 एंड 65 प्लस. पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और डेटा है 2015 के. राइट. सो द थ्री एज ग्रुप आर फाउंड एट द ग्लोब लेवल इंडिकेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तीन एज ग्रुप मिलते हैं हमारे ग्लोबल लेवल पर और इनकी कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट, द यूथ एज ग्रुप कंप्राइजेस 35% ऑफ द टोटल ग्रुप. जितना भी टोटल का वर्ल्ड पॉपुलेशन का टोटल है उसका 35% कौन से एज ग्रुप से रिलेट करता है? यूथ से. राइट. एंड 0 टू 14 ईयर्स एज क्लास. रीजनल वेरिएशंस आर ऑब्जर्व इन दिस फिगर ऑल्सो ऑन द वर्ल्ड लेवल. 18.3% पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड 32.2% पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. इन कंट्रीज वेयर द बर्थ रेट इज हाई द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन विच कैटेगरी? इन 0 टू 14 ईयर्स कैटेगरी इज हाइयर. जहां पर बर्थ रेट ज्यादा होगा वहाँ पे 0 टू 14 ईयर्स का जो एज स्ट्रक्चर है इससे इसका जो परसेंटेज है वो भी हाई होगा. नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, द अडल्ट एज ग्रुप पॉपुलेशन इज कैप्ड इन द सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी हमारा कौन सा है? एडल्ट एज ग्रुप का, और ये कैटेगरी है 15 टू 64. राइट. एंड दिस पॉपुलेशन इज मोर देन द अदर कैटेगरीज. वैसे तो ये पॉपुलेशन अदर दोनों कैटेगरी से ज्यादा है. द पॉपुलेशन ऑफ दिस कैटेगरी इज रिप्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली एंड मोस्ट डायनामिक डेमोग्राफिकली. ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव कैटेगरी है. सो द डेवलपमेंट लेवल ऑफ एनी कंट्रीज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन इन दिस कैटेगरी. अगर हम किसी भी देश का डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट किस पर शो करता है, कौन सी कैटेगरी पर डिपेंड करता है? वो डेवलपमेंट 15 टू 64 एज ग्रुप वाली कैटेगरी पर डिपेंड करता है. एंड लास्ट, एल्डरली एज ग्रुप विच इज अबव 65 प्लस इज फाउंड हायर इन दोज कंट्री वेयर डेमोग्राफिक डेवलपमेंट सीक्वेंस हैज बीन कंप्यूटेड. 65 प्लस वाला एज ग्रुप कौन सी कंट्रीज में मिल रहा है? जहाँ पे जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है. एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर रिलेटेड टू दिस एज ग्रुप. और जितने भी डेवलप्ड नेशन है वर्ल्ड के वो इसी एज ग्रुप से रिलेट करते हैं. तो होप यू अंडरस्टैंड द एज स्ट्रक्चर क्वाइट वेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स रेशियो.
स्टूडेंट्स सेक्स रेशियो और जेंडर रेशियो बोथ आर सेम एंड इन पॉपुलेशन इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंडिकेटर एंड दिस इंडिकेटर इज द बैलेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स टू डिटरमाइन द सेक्स रेशियो वी आर हैविंग टू डेटाज द फीमेल एंड द मेल डेटाज So how we calculate the gender ratio of any particular region? For calculating the gender ratio, we are having some necessary data. The number of females per 1000 males is calculated. अगर हमें किसी भी एरिया का जेंडर रेशियो पता करना है तो हमें क्या पता करना होगा हमें फीमेल का नंबर पता करना होगा 1000 मेल पर Yes, we consider 1000 male to calculate the gender ratio. And the formula is number of males upon number of females multiplied by 1000. Right? अब स्टूडेंट यहाँ पे दो बार फॉर्मूला दे रखा है एक बार मेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं फीमेल से और एक बार फीमेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं मेल्स से ऐसा हम क्यों करते हैं उन नेशंस में जहाँ फीमेल्स की नंबर ज्यादा है तो हम वहाँ पे मेल्स को काउंट करते हैं ओवर फीमेल्स और जहाँ फीमेल्स नंबरिंग ज्यादा है वहाँ मेल्स को काउंट करते हैं Students see, here are two formula given. In one formula, number of males are given above. It means number of male members divided by number of females. यहाँ पर ये दो formula क्यों दिया है बेटा? यहाँ पर ये दो formulas क्यों दिए हैं बेटा? अगर किसी nation में females ज़्यादा होंगी, तो हम वहाँ males का पता करेंगे. और अगर किसी nations में males ज़्यादा होंगे, तो हम वहाँ females का पता करेंगे. राइट और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग या ऐसा कहाँ होगा क्या ऐसा होता है कि कहीं पे फीमेल्स की पोजीशन ज्यादा हो और कहीं मेल्स की पोजीशन पॉपुलेशन ज्यादा हो बस होता है जितने भी यूरोपियन नेशन हैं या हम ये कहें जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं द मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज हैविंग मोर फीमेल्स वेयर एज इन एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बेसिकली इन एशिया The females are less, males numbering are more. So generally all, almost countries of the world, male birth exceed female birth normally. वैसे तो अगर हम entire world की बात करें तो male population ज़्यादा मिलेगा हमें female के comparison में And the reason behind this is gender discrimination, female fratricide, female infanticide. Domestic violence. These are some of the responsible factors for low gender ratio. Right? Now see, have a look on the table 4.3. The global sex ratio according to the year 2004 given world and continent involved. The number of females count 985 above 1000 males. 985 female counts over 1000 males. In Asia, The ratio is 1002 females, whereas in Africa, the number of females are lesser. In Europe, it's 1072. In Latin America, 1018 females over 1000 males. In North America, 1027 females over males. And in Oceania, it's 990. Right? So these are some of the data, some of global gender ratio given. According to the Population Division United Nations reference. And see, this is located according to the bar diagram also. Asia, Africa, Europe is having more female population. Then North America, Latin America, Asia, Oceania and Africa considered. Right? So it means differences are also found in rural and urban sex ratio too in different countries of the world. Beta entire world ke according to gender ratio mein discrimination hai hi. Par ye discrimination rural aur urban areas mein aur bhi zyada ho jata hai. The rural and urban sex ratio in USA and Western Europe is quite different from that in Asian countries. In Western countries, males outnumber females in rural areas whereas females outnumber males in urban areas. अगर हम देखें तो
वेस्टर्न कंट्रीज में मेल्स का नंबर रूरल एरियाज में आपको ज्यादा मिलेगा, जबकि फीमेल्स अर्बन एरियाज में आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म होते हैं और उन एग्रीकल्चरल फार्म पर ज्यादातर मेल्स वर्क करते हैं और फीमेल्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए अर्बन पॉपुलेशन फीमेल्स का ज्यादा है। माइग्रेशन ऑफ फीमेल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन फॉर दिस। का रीजन भी पता ही चल गया आपको कि माइग्रेशन इसका मेजर रीजन है, और माइग्रेशन किस कारण से? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण से। इन 1980 द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ द वर्ल्ड इज 993, दैट इज पर 1000 मेल्स, एंड देयर वॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ 7 फीमेल्स। अगर हम डेटा देखें 1980 का, तो अकॉर्डिंग टू 1980 993 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पर, कितनी डेफिशिएंसी थी? 7 फीमेल्स, यानी कि 7 महिलाएं कम थी। एंड इफ वी कंसिडर द डेटा ऑफ द ईयर 2004, इट इंडिकेट्स डिक्रीज सेक्स रेशियो एंड इट्स 985, मीन्स नाउ द फीमेल रेशियो इज शॉर्टेज ऑफ 15 फीमेल्स पर 1000 मेल। पहले सिर्फ 7 फीमेल शॉर्ट थी और अब 15 फीमेल्स। एंड देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर नंबर ऑफ फीमेल्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ मेल्स, एंड मेनी अदर कंट्रीज वेयर नंबर ऑफ मेल्स एक्सीड्स ओवर द फीमेल्स। So the world can be divided into four parts on the basis of the variation in the sex ratio. Firstly, countries with high, very high sex ratio. Aisi countries jinka sex ratio 1050 females over males hai, ya jahan par 1050 se zyada mahilaein hain, usko hum very high sex ratio mein consider karte hain. And in this category, mostly the European countries, United States of America, Canada, southern region of South America are included. Here, the number of women is more in comparison to men. Now, the second category, the countries with high sex ratio and the ratio between 150 to 1000, jahan pe 1000 se zyada aur 1050 se kam mahilaein paayi jaati hain. And in this category, the countries like Ukraine, Belarus, Poland, Mongolia, Kazakhstan, Thailand, Cambodia, Myanmar and South Africa considered. The third category where the male dominance found more, and in this class the sex ratio is found between 1000 to 950, 950 se zyada 1000 se kam. Aur is category mein kaun si countries ko include karte hain beta? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान एंड क्यूबा। एंड देन द फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी, द कंट्रीज विद एक्सेसिव मेल डोमिनेंस, इट मींस द रेशियो इज लेस देन 950 फीमेल्स ओवर मेल्स, जहां पर 950 महिलाओं से कम पाई जाती है 1000 पुरुषों पर, उसको इसमें शामिल किया जाता है। And India is the major representative of this category, right? This declining sex ratio is a cause of worry for imbalance of population. ये जो declining sex ratio है, ये चिंता का विषय है. There is also the dominance of men in the global sex ratio, but in Africa, North and South America and European countries, proportion of women is higher than men. In a developing country like India, the proportion of females is less than the males, and the main reason for this is the country's traditional society. Karan kya hai? Traditional society ka hona. And the main reason for this are our lack of education. And the main reasons for this are, first of all, lack of education, employment opportunities, safety, respectable place in society for women. These are some of the reasons behind the low female ratio. Education का अच्छा स्तर ना होना, employment की opportunity ना होना, safety ना होना, respectable place ना होना society में women का, ये कुछ कारण है। हम जानते हैं India is the male dominant society.
और मेल डोमिनेंस के कारण बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है. तो दीज आर सम ऑफ द रीजन बिहाइंड द डिफरेंशिएट जेंडर रेशियो. होप यू अंडरस्टैंड बोथ द टॉपिक्स वेल, द एज स्ट्रक्चर एंड द जेंडर रेशियो. द पॉपुलेशन कंपोजिशन वी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.